हाय एवरीवन, आज की जो रेसिपी है वो एक स्नैक्स है, क्रिस्पी आलू सूजी कटलेट की रेसिपी है। बच्चों को इस तरीके की चीज़ें पसंद आती है और कभी कभी हमारा भी मन करता है कुछ इस तरीके का जल्दी से बनने वाली कोई चीज़ मिल जाए, तो बात ही क्या है। तो मैंने लिया है 2 कप पानी। 2 कप पानी ले लेंगे कढ़ाई के अंदर। इसमें डाल देंगे अपनी पसंद की आप सब्जियाँ, यहाँ पर बारीक काट कर डाल दीजिए, अदरवाइज़ आप इनको बिल्कुल स्किप भी कर सकते हो। तो ये प्याज डाल दिया है, शिमला मिर्च, हरे मिर्च और ये टमाटर डाल दिया है पानी के अंदर। अब बॉयल आने दें। चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो में यहाँ पे डाल रही हूँ, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप इनको स्किप भी कर सकते हो। ये देखिए 1 बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी सॉल्ट, थोड़ा सा नमक डाल देंगे यहाँ पर, जिससे हमारी सब्जियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, और 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएं। अब इसके बाद डाल देंगे सूजी। 1 कप सूजी ली है मैंने यहाँ पे, ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। आपको जितना पानी लेना है उसकी हाफ़ आपको सूजी लेनी है। आपका एक परफेक्ट डो बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा 1 से 2 मिनट के अंदर ही। ये डो हमारा बन गया है, देखो काफ़ी टाइट हो गया। अब इसको स्विच ऑफ कर देंगे गैस और इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब ये ठंडा हो गया था मेरा मिक्सचर, इसमें मैं डाल दूँगी 2 उबले हुए आलू। मैंने कद्दूकस कर लिया है आलू को। इसमें डाल दूँ धनिया, अदरक, सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, और यहाँ पे मैं डाल दूँ कॉर्नफ्लावर, जिससे थोड़ा जो मॉइस्चर होगा हमारे आलू के अंदर और सूजी के अंदर वो इससे एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारे जो कटलेट हैं वो थोड़े क्रिस्पी बनेंगे। आप इसकी जगह चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ी मैदा भी डाल सकते हो। इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से आपस में मिला लें। यहाँ पे मैं थोड़ा घी ले रही हूँ हाथ पे, ये काफ़ी चिपक रहा था। अब घी आप हाथों पे अप्लाई कर लीजिए और इस तरीके से आप जब घी लगा के इसको मस लेंगे अच्छे से, तो ये अच्छे से इसका परफेक्ट डो बन के रेडी हो जाएगा 1 मिनट के अंदर ही। बिल्कुल जैसे आटे का डो लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही डो आपको बनाना है। ये देखिए हमारा आटे वाला डो बन गया है। अब ये टेबल स्पून ली है, जैसे हमारे जो कटलेट हैं वो सेम साइज़ के ही बने। आप इनको कोई भी शेप दे सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी शेप आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे राउंड शेप बना रही हूँ बिकॉज़ ये शेप जल्दी बन जाती है, इजी बन जाती है, तो मैं ये वाली शेप दे रही हूँ। आप अपनी पसंद का इसको शेप अप करें। ये सारे मैंने कटलेट बना के रेडी कर लिए हैं। जितने कटलेट आपको यूज़ करने हो करें, बाकी एयर टाइट कंटेनर में रख के आप फ्रिज में रख दीजिए, आप इनको 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 4 से 5 चम्मच बड़े चम्मच घी ले लिया है। मैं कटलेट या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें बनानी होती है वो मोस्टली घी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि घी की जो खुशबू होती है मुझे बहुत पसंद है। अब ये देखिए गोल्डन हो गए हैं। आप इसको धीमी आँच पे ही सेकें, तभी आपके जो कटलेट है वो क्रिस्पी बनेंगे। तो इनको धीमी आँच पे मैंने अच्छे से सेक लिया है और ये देखिए कितने बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ना, और देखने में भी कितने बढ़िया लग रहे हैं, डिलीशियस लग रहे हैं। मुझे तो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है कि कब जल्दी से निकले और मैं इनको खा लूं। आई लव कटलेट एंड ऑल। इसको हम अच्छे से दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। अब हमारे देखिए बढ़िया से कटलेट बनके रेडी हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।